नमस्कार, मैं काजम शाह, स्वागत है आपका एनवाइल पर। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। 10 साल बाद बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कर चुके हैं घर वापसी। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर खुलकर साधा निशाना। अब हरियाणा में बदल रही है राजनीति हवा, जितनी तेजी से बदलेगी हवा उतना ही बीजेपी के लिए है नुकसानदेह। बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से लेकर देश के कई अहम मुद्दों के साथ साथ बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर भी किए हैं तीखे प्रहार। जिंद में बुधवार सुबह पार्टी कार्यकर्ता की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान कि शुरू हो चुके हैं नवरात्र, जल्द ही उम्मीदवारों की कर दी जाएगी घोषणा। हरियाणा की आवाज उठाने के लिए वो चुनेंगे ऐसे उम्मीदवार जो प्रदेश में गूंगे बहरे सांसदों से ज्यादा लड़ पाए लड़ाई और अच्छे तरीके से उठा पाए जनता की आवाज। हरियाणा में भाजपा के लोकसभा कैंडिडेट और जेजेपी नेता के विरोध पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा नजर आए असहमत। दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बयान कि सभी को अपना वोट मांगने का है अधिकार, वोट मांगते वक्त किसी को भी प्रजातांत्रिक संवैधानिक व गरिमापूर्ण मर्यादा का नहीं करना चाहिए उल्लंघन। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार को 16 अप्रैल तक का दिया अल्टीमेटम। इसी बीच अगर किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवाओं को नहीं छोड़ा गया बाहर तो 17 अप्रैल को किया जाएगा रेल रोको आंदोलन। पंजाब भवन में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में किसान नेताओं ने दी चेतावनी। विवादों में घिर गए हरियाणा कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें दोबारा भेजा है नोटिस। इस नोटिस में उन्हें 18 अप्रैल को पंचकुला आयोग के ऑफिस में उपस्थित होने को है कहा गया। इससे पहले भी नोटिस जारी कर 9 अप्रैल को सुरजेवाला को आयोग मुख्यालय में उपस्थित होने को था कहा गया, लेकिन वह नहीं हुए थे उपस्थित। जिंद में कैथल रोड पर बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरा कैंटर और जा टकराया पेड़ से, जिससे उसमें सवार 9 महिलाओं समेत 16 लोग हो गए घायल। जिंद कैथल रोड पर हुआ इस हादसे में ड्राइवर की हालत है गंभीर, सभी को इलाज के लिए जिंद के नागरिक अस्पताल में कराया गया है भर्ती। फरीदाबाद के पल्ला इलाके के समीप बाईपास रोड पर झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। मृतक के सिर पर बताया जा रहे हैं चोट के निशान। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में ले लिया शव और शुरू कर दिया गई कार्रवाई। जानकारी के अनुसार सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास रोड पर आज सुबह कुछ लोगों ने झाड़ियों में पड़ा देखा एक शव, जिस पर उन्होंने पुलिस को दी मामले की जानकारी। नानौल अनाज मंडी में किसानों को गेट पास नहीं देने पर बुधवार सुबह मंडी के सामने किसानों ने लगा दिया जाम, जिसकी वजह से नानौल नांगल चौधरी रोड पर लग गई वाहनों की लंबी कतार। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीएम और पुलिस व खुलवाया जाम। मिली जानकारी के अनुसार नानौल मंडी में आज सरसों के उठान को लेकर नहीं दिए जा रहे थे गेट पास। हरियाणा के स्कूलों में इस बार नकलचियों पर लगाम कसने को लेकर शिक्षा बोर्ड काफी हद तक रह पाया है कामयाब। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया बयान कि क्यूआर कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड व हिडन सिक्योरिटी फीचर्स से लैस प्रश्न पत्रों के कारण ही रुकी है न केवल नकल बल्कि परीक्षा केंद्रों पर भी नकल कराने वालों की गायब हुई है भीड़। हरियाणा में 3 दिन बाद बदलने वाला है मौसम। एक्टिव है 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है मौसम में यह बदलाव। इस दौरान 12 अप्रैल तक आंशिक रूप से बादल छाने व हवाएं चलने की है संभावना, लेकिन एक और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 13 अप्रैल की रात से 16 अप्रैल के दौरान ज्यादा खराब होगा मौसम। बारिश के साथ ओले गिरने के हैं असर। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगी हवाओं की स्पीड। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवाइल लाइव।